वो वहाँ से अपने घर से अपने बेटा 8 महीने का बेटा है वो दूध लेने जा रहे थे ऊपर से, तो वहाँ से निकलते हुए कैसा है गोली लगी उसके बस यहाँ आगे तो गोली गोली चल रही थी फायरिंग कर ये लड़का ये यहाँ से आया तो निकल के यहाँ खड़ा हुआ यहाँ गोली लगी इसके यहीं गिर गया था वो। मैं भाग के गया, मैं यहाँ बैठा सामने इधर इधर बैठा था। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा लड़का मेरा बस ये ब्लड है उनका। जब मैं पर रिपोर्ट पहुंची कि दो लड़कों के गोली लग गई है तो मैं वहां से तुरंत साथी से कहा मैंने गाड़ी स्टार्ट करो, हम भागे इधर। तो पता ये लगा कि वहां लड़के इकट्ठा हो रहे थे, बल्कि जुलूस नहीं निकाला था, लड़के इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस ने जाके वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ तरीके हैं, गुंडे रहते हैं, बदमाश रहते हैं, यहाँ कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ी थी इतनी बड़ी बड़ी गोली चलाने की। बच्चे के लोगों का कारोबार बंद है, क्या क्या चाह रहे हैं ये लोग। भैया मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया लाल मेरा, अरे मेरा नमाज ही पढ़ने गया था मस्जिद में मेरा मस्जिद से बाहर होया हाथों हाथ ही गले रे बेटे। सुलेमान घर से नमाज पढ़ने गया था तो उसको फीवर था 3-4 दिन से, ये लगभग 2 बजे के समथिंग की बात है, 2 बजे नमाज होती है मस्जिद में। नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला था और मस्जिद से पब्लिक सब एक साथ ही निकलती है जब नमाज होती है जुमे की, उस दिन अक्सर रहती भी भीड़ ही है। पुलिस वहाँ तैनात थी और पुलिस ने उसको जो है, कुछ लोग तो वहाँ पुलिस को देख के भाग गए जब पुलिस ने वहाँ बदतमीजी करी, और सुलेमान तो फीवर में था। आपको पता है जब किसी की तबीयत ख़राब रहती है तो उसे तो अपना नहीं पता रहता, वो नमाज़ पढ़ने चला गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस ने उसको वहाँ से उठा लिया, उठाने के बाद उसके साथ जो है इतनी बर्बरता करी कि उसको जो है अंदर घास मंडी में लेके आए और वहाँ ला के उसके कपड़े उतार के उसको गोली मारी। गोली यहाँ लगी, इसके चेस्ट में उसकी फ़ोटो है मेरे पास। मेरा भाई जब गया है मुझसे मिल के बाहर, मुझे पानी दे के जो है ना, जब गया है कि मैं नमाज़ पढ़ के अब आ रहा हूँ, आके खाना साथ में खाएंगे, ये कह के गया। सर मेरा 20 साल का भाई था सर, आप उसका रूम देख लीजिए। अभी तो उसे पढ़ाई के सिवा कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ अम्मी पापा के साथ घर में जाता था काम के लिए और घर पे बस 13-13, 14-14 घंटे पढ़ता था, रात को भी 3-3, 4-4 बजे तक सोता था और तैयारी करता था, रात दिन तैयारी करता था। उसके बाद पुलिस ने यहाँ से रेफर कर दिया उसको, वहाँ से क्या कह मैं उसको पोस्ट मार्टम के लिए बिजनौर से हमने बॉडी भी उन्होंने कहा सुबह को आई हो, हम फिर सुबह को रात में फ़ोन आया कि बॉडी ले जाओ अपनी। बॉडी को कहा तो उन्होंने कहा कि भाई बॉडी हम नहीं देने के तुम्हें, अगर तुम नेट और लेके जाओगे तो हम जो है बॉडी यहीं दफनाओ। हमें हमारे साथ पुलिस ने बहुत नाइंसाफ़ी कही, समझे। जब हम गए वहाँ जाके बैठे, CO साहब बोले कि ऐसे ऐसे है, अगर तुम नहीं गए पोस्टमार्टम कराने तो तुम पे इतने मुकदमे ला दिए जाएंगे कि ज़िंदगी भर पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, सारे बर्तन भी के फिरेंगे घर के, और अभी जाना है और वहीं की गड्ढा खोद के वहीं डाली आना किसी कब्रिस्तान में बिजनौर में। बिजनौर यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ नेटोर में दफीना करने को भी मना कर दिया, इतना खराब रवैया था पुलिस का, बहुत ज्यादा बहुत बदतमीजी करी पुलिस ने। कपड़े अभी तक हमारे पास नहीं आए, हमें रिपोर्ट भी नहीं मिली ना, हमें रिपोर्ट और हमें PM की रिपोर्ट भी नहीं मिली अभी तक। कोई वो हिस्ट्री शीटर था, क्रिमिनल था, क्या था जो हमारे साथ इतनी बर्बरता से पेश आ रही थी पुलिस। शहर के अंदर एक ऐसा दहशत का माहौल पैदा कर दिया है कि लोग शहर छोड़ो पड़े हैं। प्रशासन जो है सेफ्टी के लिए होता है कि डराने के लिए होता है। देखिए ये इन्होंने एक संगठन बना रखा है पुलिस मित्र दल के नाम से, पुलिस के ये सहयोगी लोग हैं, पुलिस का ये सहयोग कर रहा है। ये टोटल RSS के और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और ये पुलिस के साथ जाते हैं। पुलिस वाले इनको एक आध हेलमेट दे देते हैं अपना खाकी कलर का, या इनको एक ब्लड प्रूफ जैकेट दे देते हैं, और इनके पास कट्टे पिस्टले सारे हथियार इनके पास होते हैं, पत्थर इन लोगों के पास होते हैं, जो पुलिस के साथ जाते हैं उन्हीं के पास पत्थर होते हैं, पत्थरबाजी करके ये भगदड़ मचवाते हैं, फिर उसके बाद गोली भी यही लोग चलाते हैं और फिर आड़ में पुलिस भी गोली चलाती है। और एक चीज़ और करते हैं, जो थानों में चौकियों में पकड़ी हुई गाड़ियाँ पड़ी हुई होती हैं, पुलिस वाले उन्हीं गाड़ियों को निकाल के उन्हीं में आग लगाते हैं पुलिस वाले। ये तो साहब डंडा था, वो सिर पे हेड लगाए हुए थे और नीली और हरी और सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे, इस तरीके से पुलिस के साथ में थे, ये हमने देखा। हाथ में ईटा है इसके,
ये रहा हाथ में ही था, ये आएगा उधर से, हाथ में, हाथ में पत्थर है, ये पत्थर से, ये पत्थर है हाथ में, नए बाजार का है। सर पुलिस नहीं है, वो टेररिस्ट हैं, वो लोग ही नहीं है पुलिस। सर दहशत बिठा दी उन्होंने नेटवर्क के अंदर, लड़कियों को धमकियां दे दी, कुछ करोगी तो लड़कियों का रेप कर लेंगे या ऐसा कुछ। सर बहुत धमकियां दी हैं उन्होंने, और सर हमारी यहाँ के बहनों को भी बहुत पीटा है, वहाँ ले जाकर घर में घुस घुस के मारा है। सर हमारे नेटवर्क के 70 बच्चे और ज्यादा, पता नहीं कितने बच्चे इन्होंने किडनेप कर रखे, किडनेपिंग में है वो, नेटवर्क स्टेशन पर भी नहीं है, बहुत ज्यादा मार रखा है, ये नहीं पता किधर है। उनके साथ शादी वर्दी में भी तो कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे, गाली दे रहे थे, बहन ने बताया कि गाली दे रहे थे। उस टाइम पे मैं घर पे नहीं था, नमाज पढ़ने गया हुआ था, जुमे का दिन था। ये दरवाजा टूटा हुआ, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, बहन के साथ मारपीट की है, बहन के साथ भी, और पापा को लेके गया था। तबीयत खराब है उनकी, पैरालाइज है वो, खाली सुबह उनको, उनका दिमाग भी काम नहीं करता। चोट लगी, मैं आज मिल के आया हूँ, पूरे यहाँ पे चोट है, पूरे हाथों पे चोट है उनके, उनसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। मैं आज बिजनौर जेल में मिल के आया हूँ उनसे, डंडे से 20-25 पुलिस वाले सब अंदर घुस गए, अंदर छत पे चले गए, पूरे अंदर पूरी गाड़ी टूटी हुई, गाड़ियों पे डंडे मारे। 12-14 आदमी थे ये, और फिर अंदर एंट्री करी, अंदर की उन्होंने टीवी भी सब फोड़ा, आटा फेंका, लैटरिन तोड़ी हमारी, देखो इस चीज़ का। फिर ऊपर से उनको सोते हुए उठा के ले गए, और इस कदर का मारा उनको, हमारी बेटी के साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी, मेरे हस्बैंड को उठा के ले गए, बहुत ही मारा उनको। जाके देखो, जब थाने में से आएंगे वो, आप ही देख लेना। उनको 2-3 दिन लापता रखा, किसी ने ये बताया कि 10 आदमियों का चालान हुआ है। फिर मैंने मिलाई पे गई, उनका पता करा, तब वे वहाँ पे मिले, उनके हाथ पैर सब टूटे पड़े हुए, और सिर उनका यहीं पे फट गया था। हमारा मोहल्ले में किसी के खाने तक के नहीं बन रहे, मोहल्ले में पूरा मतलब एकदम दबा पड़ा है मोहल्ले, किसी के घर खुशी नहीं है, मतलब इतना गम ज्यादा कर दिया है इन्होंने नेटवर्क को कि आदमी जो है सोच रहा है घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है आदमी। बताओ, यहाँ 4 दिन से मार्केट बंद है, कारोबार का हर लोग, बच्चा औरतें इज्जत के लेकर परेशान है, कोई चीज़ घर में रखने को तैयार नहीं, घर से ये समझ लो पूरा मोहल्ला है हमारा। यहाँ पे तकरीबन 500 आदमी रहते हैं इस मोहल्ले में औरतों समेत, यहाँ पर इस वक्त हद है अगर 50 हों, वो भी अपने घर बार के बारे नहीं जा रही, कहाँ जाएंगे यार भाई साहब, कहाँ जाएंगे। ये सब जो है मुस्लिमों के खिलाफ मामला है, मैं समझता हूँ कि ऊपर से मुख्यमंत्री से ही मुस्लिमों के खिलाफ है, सब सीएम के आदेश पे ही है, बिना सीएम के आदेश के कुछ नहीं होना। हम सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, सब बहन भाइयों की तरह से इस देश में रह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ही पसंद नहीं है, उसे सिर्फ जलाना, फूंकना, मारना, सिर्फ यही आता है। बुजुर्गों को मारे, रात रात में बच्चों को उठा रहे हैं, डराने के लिए उठा रहे हैं, इसलिए पीएम बनाया था कि आप कुछ ना करें। पीएम मोदी ने रात स्पीच में बोला है, किसी गरीब को ऑटो मत जलाओ, किसी गरीब की झोपड़ी मत जलाओ, उसकी संपत्ति मत जलाओ, उनसे एक बार पूछे से देश की संपत्ति मत जलाओ, और देश के नौजवान बेटों को जला दो, देश के नौजवान बेटों को जलाया जा रहा है, आगे को नस्लें ना बनेंगी, हमारी नस्लें तो अभी हैं और चलेंगी कयामत तक।